आज हम जा रहे हैं मिर्जापुर ट्रैक पे ऑफ रोड करने के लिए। आज भी बड़े खुश लग रहे हैं, क्या चक्कर है? आज का हमारा ये व्लॉग बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही मजेदार होने वाला है। बहुत ही ट्रिकी रोड है यहाँ पे, बट यहाँ पे स्टोन भी बहुत ज्यादा है। अब हम पहुंच चुके हैं रिवर के अंदर, जहां से बड़े बड़े पत्थरों और रेत के ऊपर से हमें थार को निकालना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। गाड़ी के बाहर से वो व्यू कैप्चर नहीं हो पाता जो हम गाड़ी के अंदर बैठ के व्यू कर सकते हैं, क्योंकि स्टोन्स मतलब इतने बड़े हैं ना कि पूरी गाड़ी को हिला के रखा हुआ है। यहाँ तक तो थार बड़े प्यार से आ गई, बट इससे आगे ट्रैक और भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े स्टोन हमारे रास्ते में हैं, तो बड़े ही प्यार से हमें यहाँ से गाड़ी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, आ जा। पत्थर इतने बड़े हैं कि गाड़ी हमारी आके उनके बीच में फंस गई। बाहर से देखकर निकालना जितना इजी लगता ना, वैसे बहुत डिफिकल्ट है। बट राइट कट राइट या सूर्या, एज यू कैन सी, सीधा बड़े प्यार से इसको बाहर निकाला। मोहित भाई ने बड़ी हेल्प की ट्रैक बताने में। बड़े स्टोन क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा फ्लैट एरिया हमें मिला है, तो यहाँ पर रुक के हम आगे जाने का प्लान करेंगे। तो यहाँ से हमने आगे जाने का प्लान किया है, जाना हमने वापिस ही है, तो हमने थोड़ा ट्रैक चेंज किया है। तो यहाँ से अब आगे आपको और भी बढ़िया व्यूज दिखाएंगे। अच्छा ये भी सोना है यार। अच्छा बहुत बढ़िया, पिछला टायर पूरा टच हो गया। गाड़ी की मूवमेंट से ही पता लग रहा है हो क्या रहा है। इतने पत्थर वाली जमीन पे तूने पहले अपलोडिंग किया था यार? एक बारी काम नहीं गया था। इस साइड ना करना, उस साइड करो, उस साइड पत्थर है उससे बड़ा। देखने में ये ट्रैक बहुत इजी लगता है, हर कोई वीडियो देखकर ये कह देता है कि हाँ कि हम करेंगे, बट मोस्टली लोग कर लेते हैं, बट गाड़ी के ऊपर काफ़ी डैमेजेस वगैरह होते हैं। अगर आप प्रॉपरली गियर से अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो काफ़ी सारे स्टोन क्रॉस करके हमारी आ गई।
इस साइड इधर पत्थर है बड़ा, अपनी साइड दबा के आ जाओ। जैसे ही एक क्रॉसिंग क्रॉस की, आगे एक और भोकाल खड़ा हो गया। इसे भी करना पड़ेगा क्रॉस। ऐसी क्रॉसिंग में टायर फटने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, बस ऐसी जगह से टायर्स की साइड प्रोफाइल को बचा के निकालना ही समझदारी है। लेफ्ट ले, लेफ्ट ले, आजा, सीधा 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 सीधा। ट्रैक कैसे है? जैसे इस ट्रैक के एंड पे पहुंचे तो देखा आगे ट्रैक बंद है, तो हमें यहाँ से गाड़ी घुमानी पड़ेगी। अब यहाँ से सीधा हम थोड़ा नदी की साइड चलेंगे जहाँ पे रेत ही रेत है, वहाँ पे कोई बड़ा पत्थर या छोटा पत्थर हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमने आके प्लान किया क्यों ना थार को विदाउट ड्राइवर छोड़ा जाए फ्री फ्लो, कि कहाँ तक थार जा सकती है। बट अचानक थार का स्टेयरिंग टर्न हो गया और तब फिर भी थार बंद नहीं हुई क्योंकि लो गियर में थी। देख लिया विदाउट राइडर, विदाउट गुड राइडर गाड़ी की पावर भी किसी काम की नहीं है। एटलीस्ट मशीन तो मशीन है, दूसरा पावर प्रोड्यूस करना है। थोड़ा ट्रैक चेंज किया है हमने, तो देखते हैं इस साइड से इजीली थार जानी चाहिए और ये आराम से चली गई। विदाउट राइडर थोड़ी सी तो नॉर्मल टास्क देने पड़ते हैं गाड़ी को। जहाँ से गाड़ी पहले नहीं चली थी, यहाँ से पहले चली तो विद राइडर देखते हैं। अरे यहाँ से तो बड़े प्यार से चली गई, बात तो सारी राइडर की है। अब हम यहाँ से जंप कराने की सोच रहे हैं गाड़ी को। उस
तरीके की जब हो नहीं पाई क्योंकि रेत काफ़ी है ना इस जगह पे। और इस टाइम गाड़ी 4x2 में है, इतनी पावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। अब 4x4 हाई में गाड़ी बाहर आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक सो प्लीज सर पकड़ा ओके थैंक यू।